अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो असाइनमेंट डिस्कस करेंगे MTH 101 असाइनमेंट नंबर 2 है, और इस 2021 इसका सलूशन है, मतलब ये अपडेट हुई है। तो क्वेश्चन इसका ये है, ठीक है, आप इसको देख लें। फाइंड द स्टेरिक एक्स मालूम करना है, यानी कि स्टेरिक एक्स स्टेरिक मालूम हमने करना है इंटीग्रेशन लेके इन दिस क्लोज इंटरवल, ठीक है। और फार्मूला भी आपको आना चाहिए, चैप्टर नंबर 26 और 25 के अंदर से ये सॉल्यूशन लिया गया है, तो फार्मूला भी लिख दिया है हमने, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पास ये है, 1 से लेके 4 तक इसकी लिमिट है x²-2 × dx = 15। फार्मूला जो है ये हमने राइट डाउन किया है, देख लें, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग जो है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और लिमिटें फाइंड करेंगे। फार्मूला लिख दिया है, ये फार्मूला है, और मीन वैल्यू थ्योरम के ज़रिए हमने करना है, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम का ये फार्मूला है, ठीक है। सेटिस्फाई जो होता है थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन फंक्शन क्लोज इंटरवल पे। जी डियर स्टूडेंट, फार्मूला ये आपने रीड डाउन कर लेना है, बल्कि इसको लिख लेना है। और 1 से लेके 4 तक हमारी लिमिट है, ये इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ये मेरा ख्याल 2 दफ़ा फार्मूला लिखा गया है, इसको 1 दफ़ा जो है, यानी कि ये फार्मूला है ए से बी तक, ठीक है। और इसको ऐसे लिखते हैं, जब ये होगा 1 से लेके 4 तक, तो फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो 1 से लेके 4 तक है, तो आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। ये फंक्शन जो आपका है वो ऐसे ही आ जाएगा, इसके ऊपर पावर आ जाएगी। तो आगे जो है बी आपके पास क्या है, अपर लिमिट, और एक क्या है आपके पास लोअर लिमिट, यानी कि 4 आपकी अपर लिमिट है और लोअर लिमिट, यानी बी माइनस ए करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नीचे स्टेप देखें, जब 3 आ गया, 3 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 15/3 है, इसको काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा। और यहाँ से एक्स टेरिक 2 है, और जब यहाँ से 2 इधर लेके आएंगे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेरिक स्केयर आ जाएगा, जब स्टेरिक्स एक्स टेरिक जो स्केयर है इसका हम जजर लेंगे, अंडर रूट लेंगे, तो वो प्लस माइनस के अंदर 7 आ जाएगा, ठीक है। इसकी समझ आ गई है, क्वेश्चन लिख लेना है, फार्मूला लिख लेना है, उसी के अकॉर्डिंग आपने वैल्यू पुट कर लेनी है। वैल्यू पुट करने के बाद आपने डिवाइड करना इधर आके 3, और इसके बाद 2 जो है वो प्लस हो जाएगा, और उसके बाद आप लोगों ने जजर लेके इसको फिनिश कर देना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, ठीक है। फाइंड द ओरिजिन बाउंडेड बाय द कर्व, ओरिजिन मालूम करना है इसका मेन पॉइंट, एक्स वाई ये दे दी, और एक ये दे, 2 क्वेश्चन दे दी गई हैं, ठीक है। इधर बता भी दिया, इधर भी हमने लिख दी गिवन कर। जब गिवन किया तो इसको हमने क्या किया, कंपैरिजन किया, ठीक है। तो कंपैरिजन क्या किया कि हमने इन क्वेश्चंस को एक दूसरे के सामने रखा, ठीक है। तो उसको सॉल्व करके हम 0 के बराबर लेके आए हैं। जी डी स्टूडेंट, कंपैरिजन किया यानी कि ये वाई और ये वाई के बराबर रखा हमने। यहाँ पर अब करना क्या है कि x²-2 यानी कि ये 3 क्या है, इधर प्लस हो रहा है, इधर आगे माइनस हो जाएगा। तो अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब इसकी तेज़ी करेंगे, तो तेज़ी करेंगे तो अब देखें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते होते हैं, ठीक है, यानी कि फैक्टर हासिल करने के लिए। तो 3 को इसके साथ देंगे तो हमारा फैक्टर जो बनेगा बीच में वो बनेगा 3 × 3 यानी कि 3x माइनस का और एक्स बनेगा, ठीक है, फैक्टर हमारा। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या, इनकी फैक्टराइजिंग मालूम कर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने x = -1 x = 3 कर लेना है, सही है। और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1 3 वी गेट, तो 3 बड़ा है x² से माइनस ये। तो जब हम लिखेंगे सो, तो स्मॉलेस्ट फंक्शन है जो हमारा लार्ज फंक्शन है, एंड द अप्लाई द इंटेग्रल, ठीक है, उसके अंदर हम अप्लाई करेंगे। ये इक्वेशन हम लिख ली y = - ये वाली इक्वेशन ही है, ठीक है,
पहले हम उधर लेके गए थे, अब हम ये सारी की सारी जो क्वेश्चन है ना ये वाली, इसको उठा के इधर कर दिया हमने, 3 माइनस ये कर दिए। ठीक है, इस तरह से बन गई। अब हम फाइंड द एरिया, यानी कि हम लिमिट फाइंड करेंगे। हमारे पास लिमिट कौन सी रही, वो जो एक्स, जो दो फैक्टर हमें हासिल हुए थे एक्स से ऊपर वाले से, जहाँ से हम तेज़ी की थी, -1 और 3, ये हमारे पास जो फैक्टर है वो हासिल हो गया। उसके बाद क्या है, ए इक्वल टू, ये इसी तरह हमने लिखना है। अब इसकी अलग अलग करके इंटीग्रेशन ले लेनी है, तो जिसके साथ वेरिएबल ना हो उसकी इंटीग्रेशन एक्स आती है, और नेक्स्ट उसके साथ जो है कि ए की इंटीग्रेशन एक्स होती है। फिर इसकी इंटीग्रेशन ली तो ये इसकी इंटीग्रेशन जो है वो 3 आ जाएगी, एक प्लस हो गया, नीचे भी वही आ गया, इस तरह से ये भी सी। उसके बाद ए इक्वल टू, ये इसी तरह अब हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी इस फंक्शन के अंदर, यानी पहले वाला जो सारा के सारा है ब्रैकेट के अंदर, इसके अंदर अपर लिमिट पुट कर दें और इसके अंदर लोअर लिमिट पुट कर दें। ठीक है, तो अपर लिमिट जब पुट गई तो यहाँ से क्या रिसीव हुआ, 9 -9 प्लस। ठीक है, अब इसके अंदर हमने लोअर लिमिट पुट करनी है, उसी तरह जिस तरह से स्केयर है वहाँ पे स्केयर भी आप लोगों ने लगाने हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इधर से 9 आ गया तो -2 + 1/3, 9 + 2 - 1/3 आ गया, तो ये कितना हो गया, ये 11 हो गया, 1 - 2 3। अब ये 33 में से 1 निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, 32। जी डियर स्टूडेंट, यहाँ तक हम पहुँच गए थे, तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो 9 में से 9 निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और यहाँ से आप हल करेंगे, ये 2 है, और इसका जब एलसीएम लेंगे, या फिर यहाँ तक हम पहुँच गए थे, तो अब ये स्टेप देखें, -3 में से ये -1 करेंगे तो -2 आ जाएगा, +1/3 आ गया। तो जब हम इसको हल करेंगे, 2 में से ये माइनस प्लस कर दे, 2 में से 9 करेंगे तो 11 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 32/3 आ जाएगा। अगर आप ये असाइनमेंट्स या जीडीपी या कोई फाइनल टर्म का डाटा हासिल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर नोट कर लें, हमारा चैनल का लिंक विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें। अगर मुझसे ये पीडीएफ फॉर्म में ये फाइल लेना चाहते हैं या वर्ड में लेना चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।